सबसे पहले मैं तमाम उधमपुर, जम्मू कश्मीर और देशवासियों को आज के बड़े दिन के मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि रामनवमी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा दिन है, तो इसकी शुभकामनाएं मुबारक। और दूसरा हमारा आज आप सभी साथियों को तकलीफ़ देने का मकसद ये था कि कल हमारी मुलाकात मनोज सिन्हा जो LG हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उनसे मुलाकात हुई कल शाम को। और आपको स्पेशली, क्योंकि कुछ मीडिया में पेपर्स में कुछ वो खबर आई भी है, लेकिन आपको फिर से बुलाने का मकसद ये था कि जो पॉइंट्स सामने रखे थे वो सारे मीडिया में नहीं आ सके, वो छप नहीं सके न्यूज़पेपर में, वो सारे पॉइंट चूँकि और भी डेलीगेशन होंगे तो इसलिए स्पेस कम होने की वजह से शायद मीडिया ने पूरा कैरी नहीं किया जो हमने मेमोरेंडम सबमिट किया था। तो कल उनसे बड़ी अच्छी एक मुलाकात हुई और कुछ पॉइंट्स जो हैं जो UT लेवल के हैं, जम्मू कश्मीर लेवल के हैं, कुछ जम्मू के हैं, कुछ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के और कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल के हैं, उन इश्यूज़ को लेके जो हमारी मुलाकात हुई है उसमें सबसे पहले तो हमने उनसे मुलाकात की है कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड, क्योंकि जिस तरीके की वारदातें कश्मीर के अंदर मिनॉरिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है उसके ऊपर एक बड़ा चिंता का विषय है, उसके ऊपर सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। इसके ऊपर हमने चर्चा की, हमने ये भी कहा कि हमारे बहुत से जम्मू संभाग के जो दलित परिवार के नौजवान हैं जो कश्मीर में जॉब्स कर रहे हैं, वो भी मिनॉरिटी से आते हैं, उनके ऊपर भी इसी तरीके से अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, तो उनको सिक्योरिटी किस तरीके से दी जाए, उनको उनका आत्मबल किस तरीके से बढ़ाया जाए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि फिर से कश्मीर से माइग्रेशन ना हो और जो एक 10-20-30 सालों में कश्मीर में दोबारा एक आपसी भाईचारे का जो एक पैगाम गया है उसमें कहीं खलल ना आए। तो इसके साथ ही हमने ये कहा कि जम्मू का जो एयरपोर्ट है, कश्मीर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह उसको पैटर्न पे कर दिया, लेकिन जम्मू का इंटरनेशनल ही किया, हालांकि जम्मू के लिए भी फंड्स आए, उसकी एक्सपेंशन हुई है, उसमें कोई दायरे नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का जो एयरपोर्ट बनना था उसका दर्जा नहीं जम्मू को मिल पाया। और जो फंड्स अभी रिसेंटली जो मंत्री जी आए थे उसके में उसमें भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ है कि जम्मू को मात्र चौथाई, एक चौथाई हिस्सा भी नहीं मिला और कश्मीर को उसके मुकाबले में ज़्यादा मिला है, ये भी हमने उनसे डिस्कस किया है। इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट एक इशू था हमारा बेरोज़गारी का, आपने देखा कि पिछले दिनों में यहाँ हमारे स्कॉलर्स भी आए थे जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, PhD की है, जिन्होंने MPhil की है, ऐसे काफ़ी नौजवान जो उधमपुर के जम्मू के यहाँ आए थे, तो वो डिस्कस हमने किया कि हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर अगर बेरोज़गारी का अगर आप लेवल देखें तो नेशनल लेवल से ज़्यादा है, लगभग 21-22% आज बेरोज़गारी हमारे जम्मू कश्मीर में है और ये देश के कंपैरिजन में काफ़ी आगे है। तो यहाँ हमने कहा कि जितनी वेकेंट पोस्ट हैं, चाहे वो कॉलेजेस के अंदर हैं, चाहे वो हायर सेकेंडरीज के अंदर हैं, चाहे स्कूल्स के अंदर हैं, चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं, चाहे वो क्लास 4 की हैं, तो सभी रिक्त पदों को फास्ट ट्रैक पे भरा जाए, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलाया जाए, 2 महीने या 3 महीने का टाइम है, सारा उस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। उनको मैंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पिछले दिनों क्लास 4 के लिए